गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज देखिए कल जो बताए थे उसी के आगे क्वेश्चन नंबर कल 11 तक बताए थे, आज देखिए 12 बताना है। क्वेश्चन देखिए, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 6 मीटर और 11 मीटर हैं समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि उनके आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आप दो खंभे हैं और ये आधार है। ठीक है, कह रहा है मान लीजिए ए बी है और ये सी डी है। एक का तो 11 है, 11 मीटर यहां से लेके यहां तक पूरा और यहां से यहां तक 6 है। ठीक है, और ये 12 मीटर है यहां से यहां। कह रहा है कि इनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, इनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ से ऐसे लंब डाल दीजिए आप। ठीक है, तो ये मान लीजिए ई हो गया। ठीक है, यही दूरी पूछ रहा है, इनके सिरों के बीच की दूरी ये चीज। ठीक है, ये चीज पूछ रहा है, ए सी पूछ रहा है उनके सिरों के बीच की दूरी। देखिए जब ये भी 90 हुआ और लंबवत दूरी लंबवत ही ली जाती है तो ये देखिए जब 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, 12 मीटर। ठीक है, देखिए यहां से यहां तक 6 है तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक भी 6 हो जाएगा। ठीक है, बचे कितना, यहां से यहां तक 11 टोटल है, 6 घटा दीजिए 5 हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक आपको क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए क्योंकि ए बी इक्वल टू 11 मीटर और सी डी इक्वल टू 6 मीटर और बी डी इक्वल टू ई सी इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, और फिर देखिए क्योंकि बी ई इक्वल टू सी डी इक्वल टू 6 मीटर और फिर ए ई क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए बी माइनस बी। ठीक है, तो घटा दीजिए ए बी 11 है माइनस कितना हो जाएगा 6, ये 5 मीटर। ए आपका कितना आया, ए इक्वल टू 5 मीटर। अब आइए लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई सी में। ठीक है, यहाँ ए सी स्क्वायर इक्वल टू ई सी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, यहां से ए सी हमको निकालना है, ए सी स्क्वायर ए सी निकालना है, ई सी ई सी मतलब 12 का स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, उसके बाद ये 144 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब दोनों ऐड कर दीजिए 169 हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 169, ए सी इक्वल टू अंडर रूट 169, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 13 मीटर। तो लिखिए दोनों खंभों के बीच की दूरी, दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 13 मीटर। ठीक है, अभी आप नोट कर लीजिए, वैसे क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, नोट करिए। ठीक है, नोट करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है, उसकी भुजाओं ए सी और बी सी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ई डी ई का स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ, ये प्रूफ करना है।
देखिए ये त्रिभुज ए बी सी है जहाँ पर सी समकोण है और उनकी भुजा ए डी और बी सी पर ए सी और बी सी पर क्रमशः डी और ई बिंदु हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ था कि संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है जिसकी भुजाओं ए सी और बी सी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित हैं, और यहाँ पे ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ठीक है, और ये समकोण दिया हुआ है। आइए देखिए, पहले आप इन सबको मिला दीजिए, ई को डी से मिला दीजिए और ई को ए से मिला दीजिए और फिर बी को डी से मिला दीजिए, ठीक है, ये बी को डी से मिला दीजिए, ठीक है। चलिए प्रूफ देखिए, सबसे पहले जो ए का स्क्वायर पूछ रहा है, ए देखिए, ए पहले लिखिए त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। देखिए ए ई का स्क्वायर इक्वल ई सी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर वन हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन हुआ। फिर देखिए बी डी का स्क्वायर, बी डी बी डी यहां से, अब देखिए ये भुज बी सी डी, अब बी डी का स्क्वायर इक्वल बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। जरा देखिए अब इनको हम मिलाएं, अगर जोड़ दें निकट एक व दो को अगर जोड़ दें, ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर आएगा, तो चलिए समीकरण वन प्लस टू देखते हैं क्या होता है, समीकरण वन प्लस टू, ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ई सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, फिर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब देखिए आप ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, आप इसको एक साथ कर दीजिए, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, फिर ई सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ई सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब देखिए आप ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस सी डी का, ई सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इक्वल टू डी या ई डी का स्क्वायर, ठीक है, यहां पे ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो गया। अगर आप यहां पे ऐसे लिखना चाहें, चूंकि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और डी ई स्क्वायर इक्वल टू ई सी स्क्वायर प्लस सी डी या बी सी का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका, क्योंकि ये भी समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, कहीं अगर दिक्कत हो तो बताइए। कुछ किए नहीं हम दोनों, ये वाला त्रिभुज लेके पाइथागोरस थ्योरम से इक्वेशन वन ये लेंगे, फिर ये वाला त्रिभुज लेके ये वाला एक इक्वेशन ले लिए, ये वाला त्रिभुज लेके फिर समीकरण दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद दोनों इसको इसको एक साथ कर दिए यहाँ पे और इसको इसको एक साथ कर दिए, फिर ये इन दोनों के स्थान पे ये लिख दिए, इन दोनों के स्थान पे ये लिख दिए,
फिर क्या होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से ही समकोण त्रिभुज है इसलिए ये हो गया। आप नोट करिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष एसी से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि बीडी इक्वल टू या डीबी इक्वल टू 3CD। सिद्ध कीजिए कि 2AB² इक्वल टू 2AC² प्लस BC² देखिए ये इस तरह इस पर लंब है कि ये जो BD है या DB है वो 3BC CD है। ठीक है, आइए देखते हैं जो दिया हुआ है उसको लिखिए, क्योंकि BD इक्वल टू 3CD। अब देखिए BD और CD का मान BC के टर्म में पहले निकाल लीजिए, तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, CD प्लस BD। ठीक है, तो यहां से अगर हम CD का मान निकाला है तो यहां BD के स्थान पे 3CD लिख देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4CD। तो यहां से CD की वैल्यू ABC इक्वल टू हो गया, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा BC/4, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद फिर यहां CD के स्थान पे अब BC लिख दीजिए, BD लिख दीजिए, ये तो हो गया ना। अब यहां देखिए इसको क्या लिख सकते हो, CD इक्वल टू BD/3 ये लिख सकते हो। तो यहां पे CD के स्थान यही से निकाल, तो यहां से हम निकाल लेते हैं, ये CD के स्थान पे BD/3 हो जाएगा इक्वल टू BC/4 हो जाएगा। तो अब यहाँ BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये BD इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/4, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 3/4 BC। ठीक है, इसको ऐसे आप 1/4 BC ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इसको ऐसे 1/4 BC ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया, यहाँ तक हुआ। चलिए आइए त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB में अब ये समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस थ्योरम से, AB² इक्वल टू AD² प्लस BD², ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, फिर त्रिभुज किसमें ADC में AC² इक्वल टू AD² प्लस CD², ये इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। अब उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दीजिए, हाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1-2। ठीक है, 1-2 कर दीजिए। चलिए AB² माइनस AC² इक्वल टू AD² प्लस BD² माइनस AD² प्लस CD माइनस CD², ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, बचेगा क्या, BD² माइनस CD². ठीक है, और यहाँ पे क्या है AB² माइनस AC². ठीक है, आगे आइए, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, BD यहाँ निकाले, BD यहाँ 3/4 BC² माइनस CD क्या निकाले हैं यहाँ पे 1/4 BC।
का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये 3 3 9 अपॉन 16 बी सी, ये बी सी है, बी सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 16 बी सी स्क्वायर, ठीक है। क्या आपका हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 16 हो जाएगा नीचे, अब ये 9 BC² माइनस BC², ठीक है। ये आएगा कितना, ये आपका हो जाएगा, एक घट जाएगा, 8 अपॉन 16 BC², ठीक है। ये 8 अपॉन BC², फिर आगे कितना हो जाएगा, 8 1 8 8 2 16 कट गया, तो आया कितना, 1 अपॉन 2 BC², ठीक है, 1 अपॉन 2 BC². उसके बाद आगे यहाँ देखिए, ये AB² माइनस AC² इक्वल 1 अपॉन 2 BC², ठीक है। आइए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का पूरे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा क्या, 2AB² माइनस 2AC² इक्वल टू BC². अब आप 2AB² इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 2AC² प्लस BC², ये हो गया आपका, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, ये आपको प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ करना नहीं, बस यहाँ से CD का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ BD की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसके बाद समकोण त्रिभुज ADB में यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, फिर उसके बाद ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, दोनों को घटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोनों को घटाने के बाद यहाँ से बस BD और CD की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, उसके बाद इसका इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये इतना हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाओं BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD इक्वल टू 1 अपॉन 3 BC, सिद्ध कीजिए कि 9 AD² इक्वल टू 7 AB², ठीक है। चलिए देखते हैं, जो देखिए समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD इक्वल टू 1 अपॉन 3 BC, और प्रूफ क्या करना है, 9 AD² इक्वल टू 7 AB², ये आपका फिगर है, ये पूरा समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये बराबर, मतलब ये सभी बराबर है, यहाँ लिखिए, क्योंकि ABC त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB बराबर BC बराबर CA, ये हुआ। और चूंकि BD इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन 3 BC, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर BC को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये तीनों पार्ट आपस में बराबर हो जाएंगे, तो BD इक्वल टू 1 अपॉन 3 BC, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए देखिए एक चीज यहाँ देखिए ध्यान से, हमको जहाँ BC या कुछ भी है वहाँ पे सबको AB लाना है, तो सब जो जितना भी है सबको किसके टर्म में कर दीजिए, AB के टर्म में, तो यहाँ BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 BC, BC के स्थान पे AB हो जाएगा, ठीक है, AB हो जाएगा। यहाँ पे देखिए AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, ये हो गया आपका। उसके बाद CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू आपका हो जाएगा
टू अपॉन थ्री क्या बी सी, टू अपॉन थ्री बी सी, तो या आप लिख सकते हो और करके सी डी इक्वल टू टू अपॉन थ्री ए बी, ठीक है ऐसे लिख सकते हो। आइए देखिए, चूंकि त्रिभुज ए बी सी सम क्या है, समबाहु त्रिभुज है और ए ई क्या है, इस पर लंब है, ठीक है। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षता में कई बिंदु बिंदु पर होते हैं, चूंकि समबाहु त्रिभुज चूंकि ए ई क्या है, लंब है बी सी पर, ठीक है, फिर क्या होगा, इसलिए बी ई इक्वल टू ई सी, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपान टू, ठीक है, बी सी अपान टू, या फिर हम लिख सकते हैं बी ई इक्वल टू ई सी इक्वल टू ए बी अपान टू, ठीक है, ये हो गया। और ये हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन में लिख दीजिए आप कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज की माध्यिका और शीर्ष लंब एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका, इसलिए ये आधा आधा हो गया, ये दोनों बराबर, तो ये बीसी अपान टू, बीसी अपान टू मतलब ए बी अपान टू हो गया, ठीक है। अब यहां से आप निकालिए क्या, आप निकाल दीजिए डी का, डी निकालिए, तो डी क्या हो जाएगा, बी माइनस बी डी, बी ई माइनस डी, बी माइनस बी डी, ठीक है, पूरे में से इतना घटा देंगे ई डी डी आ जाएगा, चलिए बी ई, बी ई यहां से, यहां से बी रखिए, ए बी, ए बी अपान टू माइनस बी डी, ए बी के टर्म में वन अपान थ्री ए बी, ठीक है। अब यहां मतलब कि नीचे एलसीएम सिक्स हो गया, तो टू थ्री जा थ्री ए बी माइनस थ्री टू जा टू ए बी, ये हुआ कितना, ये आपका आया घट जाएगा ए बी अपान सिक्स, मतलब कि जो डी है डी वो आया कितना, चलिए आगे लिखते हैं डी ई इक्वल टू ए बी अपान सिक्स आ गया, ठीक है। चलिए अब लिखिए त्रिभुज, इसमें त्रिभुज ए ई डी, ए ई डी, ठीक है, क्योंकि यहां पे ए डी स्क्वायर निकाल रहा है, चलिए देखते हैं ए डी स्क्वायर इक्वल टू, ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और आप देखिए ए स्क्वायर के स्थान पे हम देखिए यहां पे डी को हमने ए बी के टर्म में किया हुआ है, डी को ए बी के टर्म में किया हुआ है, लेकिन अब ए को ए बी के टर्म में करना है, ठीक है। अब देखिए ए ई बी, ए ई बी भी समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे एक लाइन में आपको दिखाते हैं, चलिए यहाँ पे अभी हम बता देते हैं, ये ए बी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे लिखिए चूंकि क्या त्रिभुज ए ई बी में ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से इसको हम ट्रांसफर करके यहां पहले पुट कर दिए, अब यहां ए डी स्क्वायर इक्वल टू, अब ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस
बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कहीं निकाले हम, बी ए बी के टर्म में, ये ए बी अपॉन टू का होल स्क्वायर, फिर प्लस डी, डी की वैल्यू हम निकाले ए बी के टर्म में, ए बी अपॉन ये आपका ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन फोर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 36, ये आपका हो गया। यहां से ए डी स्क्वायर देखिए, आप सबका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 36, ठीक है। तो यहां पे पूरा 36 हो जाएगा माइनस 4 9 36, तो यहां 9 AB² हो जाएगा, फिर प्लस यहां पे AB², ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उसके बाद इसको घटा दीजिए, तो ये 27 और 28 बचेगा। चलिए यहां पर AD स्क्वायर इक्वल टू, ये ए बी इसमें जुड़ जाएगा, ये 37 हो जाएगा, 37 से 9 घटा दीजिए, 28 अपॉन 36, ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब ये देखिए इसको कट करिए, कितने से कटेगा ये, पहले 2 से कट करिए, 2 1 2 2 4 8 सॉरी 9 जा, हाँ 4 जा हो जाएगा, फिर उसके बाद 18 और ये 7 जा, फिर ये 9 जा। चलिए ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 अपॉन 9 ए बी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 AB², यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, ये आपको ये प्रूफ करना था, प्रूफ। देखिए सबकी वैल्यू हम इसलिए AB के टर्म में लिए हैं क्योंकि वहां यहाँ पे हमको AB लाना था, जहां जहां देखिए यहाँ पे BC था, देखिए ये संभाव त्रिभुज होने के कारण तीनों भुजा बराबर हुई, फिर उसके बाद BD इक्वल टू 1/3 BC ये दिया हुआ है, फिर BD इक्वल टू 1/3 हमने पहले कहा कि जहाँ जहाँ BC AC जो भी है उसके स्थान पे AB कर दीजिए, इसके स्थान पे यहाँ पे AB कर दिए क्योंकि यहाँ बराबर है, फिर यहाँ पे इसको ये इस तरह लिख दिए क्योंकि इसका यूज नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं है इसका, इसको आप चाहे मिटा सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं हुआ। चलिए फिर यहाँ चूँकि AE जो है परपेंडिकुलर BC है और त्रिभुज ABC क्या है, एक संभाव त्रिभुज है, संभाव त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षलंब एक ही बिंदु पर होते हैं, इसलिए BE इक्वल टू EC इक्वल टू क्या हो गया BC/2, फिर यहाँ BC है, BC के स्थान पे AB रख दिए, ये वाला ये इतना आ गया, फिर यहाँ DE को देखिए यहाँ पे DE निकाल चाहिए था हमको, इसलिए यहाँ DE इक्वल टू ये DE को BE में से घटा दिए क्या BD को, तो DE आ गया, फिर यहाँ से उसको भी AB के टर्म में लिख दिए, ठीक है। फिर आइए हमको AD² निकालना था यहाँ से त्रिभुज AED में, तो AD का त्रिभुज AED ले लिए, उसमें पाइथागोरस प्रमेय से AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर हो गया। फिर देखिए हमको इसको हटाना था क्योंकि AB के टर्म में लाना था, तो यहाँ पे AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर, तो यहाँ पे चूंकि ए त्रिभुज AEB जो है वो भी एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे AB कर्ण हुआ, AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, तो यहाँ से हम इसके स्थान पे इसको ट्रांसफर करके इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, ठीक है, इसकी वैल्यू इसको इधर ट्रांसफर करके यहाँ पुट कर दिए, फिर उसके बाद AB को अपने स्थान पे AB रख दिए, BE के स्थान पे यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दिए, और फिर DE यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व कर दिए, बस सॉल्व करने के बाद इसको पूरा सॉल्व करके ये इतना आ गया, ठीक है, नोट कर लिया। Thank you.
प्यारे बच्चों आज देखिए आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और हैं और कल बताएंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है तो इसको आप कायदे से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आज के लिए बस थैंक यू, आज बस इतना है, थैंक यू।